आज यशवंत भैया की शेयरिंग है। नमस्ते यशवंत भैया, मैं आपका संक्षेप में परिचय रख देती हूँ। भैया यशवंत भैया, आप सभी उनको सुनते ही हैं, मॉर्निंग सेशन में भैया मॉडरेट करते हैं। भैया प्रोफेसर एंड HOD हैं, सिविल डिपार्टमेंट में शिवाजी राव S. जॉनले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और भैया UHV से मई 2020 में जुड़े हैं। और मैं अभी भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया अपनी जर्नी को शेयर करें हमारे साथ। जी जी धन्यवाद दीदी। तो सभी को नमस्ते। दीदी ने मेरा संक्षिप्त परिचय तो दिया ही है। तो मेरा नाम यशवंत पाटिल है। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के शिवाजीराव जोंदले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सिविल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और HOD के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ पे लगभग 30 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी भारती है, जो हाउस वाइफ है, और मेरी दो बेटियाँ और एक बेटा है, और तीनों भी पढ़ रहे हैं। बड़ी बेटी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वो PG के लिए अभी प्रिपेयर कर रही है। मेरा बड़ा भाई जो है वो अपने गांव में अपने परिवार के साथ में रहता है, वहाँ पे जो खेती है उसे वो देखता है। मैंने मेरा पहला जो वर्कशॉप है UHV का, वो मई 2020 में किया था। और पहले वर्कशॉप में ही जब संबंध की बात हो रही थी तो उस बिंदु पे मैं शायद कनेक्ट हो गया, क्योंकि मैं ये देख पा रहा था कि संबंध में तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, और वो मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ा सवाल था और आज भी शायद। लेकिन UHV के साथ जुड़ने के बाद काफ़ी कुछ बिंदुओं पर क्लैरिटी आई, और मुझे लगता है कि एक निश्चित कार्यक्रम के साथ मैं इसमें और क्लैरिटी के लिए मतलब प्रयास कर रहा हूँ और सफल भी हो जाऊँ। जब अभ्यास एक और दो की बात आ रही है, तो अभ्यास एक में मैं को देखने का प्रयास करते हैं, और अभ्यास दो में मैं और शरीर, ये जो दो वास्तविकता है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो अभ्यास एक का उपकार ये रहा कि अभ्यास एक में मैं खुद में जो कल्पनाशीलता चल रही है उसे देख पाया, क्योंकि इसके पहले तो अभ्यास तो यही था कि बाहर की बातें ज्यादा होती थी और मुझ में क्या चल रहा है यहाँ पे कभी ध्यान गया ही नहीं था। लेकिन अभ्यास एक के जरिए मैं मुझ में क्या चल रहा है, मुझ में जो भाव, मुझ में जो विचार चल रहे हैं, उनको थोड़ा बारीकी से, थोड़ी नजदीक से देख पाया। जो स्टेप 1 है कि सजग रहे और अपने में जो कल्पनाशीलता चल रही है उसे देखे बिना कोई प्रतिक्रिया किए, तो काफी महत्वपूर्ण स्टेप है। और यही से मतलब जैसे मैंने अभी बात रखी कि मुझ में जो चल रहा है, जो भाव और विचार, उसको मैंने देखा। लेकिन ये जो बात है कि प्रतिक्रिया किए बिना ये कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, लेकिन मतलब मैंने ये देखा कि जब जब मुझ में जो भाव विचार चल रहे हैं वह सहज स्थिति के आधार पर है, तो मैं आराम में रहता हूँ। लेकिन जैसे कभी अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो एक बात तो ये है कि मुझ में गुस्सा आ रहा है तो ये एक बात हुई, और मुझ में गुस्सा आ रहा है कि मैं भी UHV के साथ में जुड़ा हूँ और शायद अभी 4 साल हो गए, लेकिन तो भी इस बात पे मैं काम नहीं कर पाऊँ, तो उसका ये जो इरिटेशन बनता है वो भी बन रहा है, तो उसका एक प्रतिक्रिया के रूप में मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन इस बात के ऊपर भी ध्यान जा रहा है कि मुझे काम तो जो पहले जो गुस्सा आ रहा है या जिस आ रहा है उसके ऊपर करना है, तो शायद अगर वहाँ पे काम हो पाएगा तो ये जो इरिटेशन आ रहा है तो ये भी अपने आप दूर हो जाए। स्टेप नंबर 2 में इस क्षण आप में जो भाव है वो सहज स्वीकार्य है या नहीं है, और स्टेप नंबर 3 भी जो है उसके साथ आप आराम में हैं या संगीत में हैं, सुखी है, इस बात को मैं देख पाता हूँ। इनफैक्ट जब जब इस भाव के साथ मैं आराम में रहता हूँ, तो संगीत में रहता हूँ, तो तब इतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब जब जो भाव मुझे सहज स्वीकार नहीं, जैसे कभी गुस्सा आ रहा है या तो किसी एक घटना के लिए लेके मैं अस्वस्थ हूँ या तो इरिटेशन आ रहा, तो वो उसको मैं बहुत जल्दी पकड़ पाता हूँ और मुझे दिखाई देता है कि अभी मुझ में जो भाव चल रहा है वो सहज स्वीकार्य नहीं है, और उसके लिए फिर मुझे कुछ एक निश्चित कार्यक्रम की जरूरत है। स्टेप नंबर 4 में
इसका निर्णय कौन लेता है, तो इसकी क्लैरिटी अभी मतलब बनी हुई है कि इसका निर्णय तो मैं ही लेता हूँ। बाहर की परिस्थिति या दूसरा व्यक्ति जो है वो ज्यादा ज्यादा एक ट्रिगर का काम कर रहा है, लेकिन निर्णय तो मैंने ही लिया। और जब मतलब मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं बहुत सारे व्यक्तियों का नाम लिखते जाऊँ कि इनमें से या तो घटना की जो मुझे दुखी कर रही है, तो शायद एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन मुझे तो यही करना होगा कि वो सारे लिस्ट के ऊपर एक क्रॉस करके मुझे बाजू में यही लिखना होगा कि मेरे सुख और दुख के लिए तो जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, क्योंकि निर्णय तो मुझे सुखी या दुखी करने का निर्णय तो मैंने ही लिया। तो इस अर्थ में मैं देखता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। मुझ में जो भी भाव और विचार, जिस भाव से मैं सुखी हो रहा हूँ या जिस भाव से मैं दुखी हो रहा हूँ, उस भाव को बनाए रखने का निर्णय तो मैंने ही लिया है। स्टेप नंबर 5 में मुझ में जो भाव चल रहा है उसका निर्णय आपने किस आधार पे लिया, मान्यता या सही समझ के? तो मैं चाहता तो यही कि मुझ पे जो भाव बने वो संबंध के सही समझ के आधार पर बने। लेकिन जब ये सही समझ क्या है इसको मैं जब देख रहा हूँ, तो ये दिखाई दे कि फिर इसे तो फिर मुझे संबंध को समझना है। और संबंध को समझना है तो ये जो भाव है, नव भाव, जैसे विश्वास, सम्मान, स्नेह, इन सारे भावों को समझना है और खुद में प्रस्थापित करना है, एक प्रोग्राम मुझे दिखाई दिया। इनफैक्ट लास्ट एक साल से ये सम्मान और विश्वास और सम्मान, इनके बारे में काफी समझने मतलब इनको समझने का प्रयास मैं कर रहा था। हेलो, किस तरह से ये भाव मुझे दिखाई दे पाए, इसके लिए काफी मतलब काम चल रहा था। तो हुआ कि 1 महीना पहले मैं कॉलेज में जब वर्कशॉप में बाई चांस जो रिस्पेक्ट का सेशन है वही मैं ले रहा था, और जब उसमें फिर पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल की बात रखते हुए कि वो सब में सेम है, पर जब मैं इस बात को रख रहा था कि अदर इज सिमिलर टू मी एंड दिस इज द मिनिमम कंटेंट ऑफ द रिस्पेक्ट, और ये बहुत मैं धीरे धीरे बोलते हुए सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ जब देख रहा था, तो उसी क्षण मैं इसमें देख पाया कि ये सारे तो मेरे जैसे ही है, दे आर सिमिलर टू मी। और हो सकता है कि किसी का ड्रेस अलग रहेगा, किसी का बैठने का तरीका, किसी का एज में रहेगा, बट ऑल आर सिमिलर टू। वहां पे मुझे जो सम्मान का भाव है उसकी थोड़ी क्लैरिटी आ गई। इनफैक्ट उस क्षण जिस एक जो मुझ में एक आराम का भाव आया था वो काफी मतलब अभी भी मैं उसको महसूस कर पाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस भाव की एक झलक मुझे वहां पे दिखाई दी, उसके ऊपर और काम करने की जरूरत मुझे दिखती है। लेकिन सम्मान का भाव तो भी थोड़ा समझ में मतलब समझने के लिए शायद थोड़ा सा इजी है कि सभी का सम्मान करना चाहिए, ये बात तो किसी को दूसरे किसी व्यक्ति को भी बताई तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन विश्वास के भाव तो मुझे भी मतलब वो पकड़ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट हम जब ये बात भी रखते हैं कि मुझे आई विल ट्रस्ट एवरीबडी अनकंडीशनली कंटिन्यूअस, तो दूसरा व्यक्ति उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, बहुत सारी मान्यता है। और इसके मतलब इसके साथ मैं भी काफी मतलब स्ट्रगल ही कर रहा था कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, ये क्लैरिटी तो मुझे बहुत है, लेकिन दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है, ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी। और कभी कभी तो किसी व्यक्ति जिसके साथ में पहले के जो व्यवहार ठीक नहीं, उसके लिए तो बिल्कुल नहीं आती थी। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है कि मुझे दूसरे के बारे में क्लैरिटी बहुत है कि मैं उसको सुखी ही करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बारे में उतनी क्लैरिटी के साथ में मैं नहीं बात रख मतलब नहीं ध्यान में आ रहा है। लेकिन वो मौका भी मुझे बेटे ने दे दिया। हुआ है कि 15 दिन पहले वो विजापुर ने कर्नाटक में हॉस्टल में रहता है, और वहां से उसने अपने दोस्त के साथ में एक ट्रिप का प्लान बना लिया, एक मुर्डेश्वर और गोकर्ण। और उसने मुझे संडे मॉर्निंग को फोन किया कि मैं मंडे को मेरे एग्जाम के बाद में वहां पे जा रहा। ये अगर यूएचवी की बात नहीं होती थी और शायद 4 साल पहले अगर ऐसा कुछ, या तो अभी मैं यूएचवी अगर नहीं करता था तो शायद
मुझे बहुत गुस्सा आता था कि उसने मुझे बताए बिना एक प्लान बना लिया। लेकिन तब जैसे उसने मुझे बताया कि मैं उस मुर्डेश्वर को जाना जाने वाला हो, मतलब वो है बीजापुर में, वहाँ से वो प्लेस जहाँ पे वो जाने वाला 400 किलोमीटर था, और उसका दूसरा दोस्त बम्बई में था, वो यहाँ से 400 किलोमीटर, और दोनों वहाँ पे मिलने वाले थे। तो जब वो बता रहा था तो फिर मैंने देखा, लेकिन तब मैं एकदम आराम में था, और तब मुझे ध्यान में इस बात के ऊपर मेरा ध्यान जा रहा था कि उसका इंटेंशन तो मेरे जैसा ही है, उसकी चाहना तो मेरे जैसी ही है, लेकिन कॉम्पिटेंस की कमी को मैं देख पाया। तो फिर मैंने उसको पूछा कि बहुत ही आराम से फिर मैंने उसको पूछा कि तुम मुझे इन्फॉर्म कर रहे हो या परमिशन मांग रहे हो। तो एकदम वो गड़बड़ गए, नहीं बोले, मैंने आपको शनिवार को भी फोन किया था, फिर फोन नहीं लगा, मैं आपको बताने वाला था। फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे फिर वो बीच है तो आपको पानी में नहीं जाना है, मतलब पूरी सावधानी के साथ फिर जाओ और फिर बाद में हम बात करते हैं। और पूरा कन्वर्सेशन 5-10 मिनट चला, लेकिन मैं वो ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं बहुत आराम से था, और कहा वहाँ पे जो ट्रस्ट जो है, मतलब विश्वास का भाव, उसकी थोड़ी क्लैरिटी मुझे आ रही थी। फिर दूसरे दिन सुबह जब मैंने उसको फोन किया और फिर उसको पूछा कहाँ पे, तो उसने बताया मैं बस में हूँ। और फिर मैंने पूछा फिर कितने पैसे है तुम्हारे पास, तो उसने बोला कि 2,000 रुपये है। तो तब मुझे मतलब उसकी जो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, मेरी योग्यता की कमी, उस तरफ भी मेरा मतलब ध्यान गया कि 2,000 में वो 2 दिन की ट्रिप करने जा रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं कुछ पैसे तुमको भेज देता हूँ। तो विश्वास के भाव में ये जो है कि दूसरा मुझे सुखी ही करना चाहता है, लेकिन उसमें योग्यता की कमी हो सकती है, और मैं हर समय उसके चाहना पे डाउट करता हूँ। तो वहाँ से लेके अभी हम दोनों की चाहना सेम है, इस बात के ऊपर ध्यान गया। और कल भी जब मतलब पत्नी से बात हो रही थी कि शेयरिंग है, तो उन्होंने इसे पूछा फिर क्या बात रखने वाले हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं इस बात को रखना चाहता हूँ, मतलब। तो उन्होंने पूछा फिर वो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है क्या, उसमें लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है। तो मैंने बताया कि यही है कि उसने मुझे फिर पहले बताना चाहिए था कि इस ट्रिप के लिए मैं जा रहा हूँ, मेरा ये प्रोग्राम है और मुझे शायद इसके लिए इतने पैसे की जरूरत है, और फिर एक परमिशन भी लेनी है पेरेंट्स से कि ठीक है उसका प्रोग्राम है ये है, लेकिन परमिशन लेना है और उसके लिए इंतजाम करके मैं इस स्पॉट पे जाने वाला हूँ इतने दिन के लिए, और फिर ये दोस्त है इनके साथ में मैं रहूँगा फिर वापस आऊँगा। ये सारे बातें डिस्कस करते हुए अगर वो प्रोग्राम बनाता था तो ये ठीक था। तो पत्नी ने बोला ठीक है, लेकिन ये जो दो भाव है, इन दो भाव की एक झलक मैं बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे दिखाई दी, क्योंकि इसके पहले मतलब मैं न्याय के, हमने यूएचवी कंटेंट में न्याय के बारे में भी हम लोग बहुत बातें देख पा रहे हैं, लेकिन न्याय तो मैं तभी कर पाऊंगा जब ये जो सारे भाव है इनकी क्लैरिटी मुझ में। इनफैक्ट मैं यही चाहता था कि मिनिमम किसी एक व्यक्ति के साथ में तो मैं इस न्याय को कर पाऊँ, किसी एक व्यक्ति के साथ में ये सारे भाव मुझ में हो। तो इस सही समझ की जब स्टेप नंबर 5 में जो मान्यता और सही समझ, ये जब बातें आती है, तो मुझ में मान्यता क्या है और सही समझ डेवलप करने के लिए क्या प्रोग्राम होना चाहिए, इसके ऊपर मतलब जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे यही दिखाई दिया कि भावों की क्लैरिटी काफी जरूरी है। तो स्टेप 6 में जब ये बात आती है कौन सा भाव आपको सहज स्वीकार है, तो ये तो मतलब मैं देख पाया कि संबंध का भाव ही मुझे सहज स्वीकार है, व्यवस्था का भाव मुझे सहज स्वीकार है, और सह अस्तित्व का। और इन सबको समझते हुए, इनके सब सभी के साथ में जीते हुए जो मेरा लक्ष्य है, तब निरंतर सुख का, उस लक्ष्य तक मैं पहुंच पाऊंगा। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि अभी इन भावों को समझते हुए, उनको मतलब खुद में प्रस्थापित करते हुए, हर एक व्यक्ति के साथ मैं इनको शेयर कर पाऊँ और मेरा जो लक्ष्य है वहां तक पहुंच पाओ। अभ्यास 2 जो है, अभ्यास 2 में हम, मैं और शरीर,
इन दोनों को समझने का, इन दोनों वास्तविकता को समझने का और उनके बीच में जो आदान प्रदान है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं और शरीर, ये दो वास्तविकता है, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए मैं और शरीर, इनके बारे में क्लैरिटी होना जरूरी है। जब शरीर की बात मैं देखता हूँ तो शरीर तो एक जड़ है और इसके जो रिस्पॉन्स है पहचानना, निर्वाह करना, ये तो निश्चित है, उसमें शरीर की कोई भूमिका नहीं है, ये मैं देख पाया। मैं में जो पहचानना निर्वाह करना हो रहा है उसके बेस में या तो समझ हो सकती है या तो मान्यता हो सकती है और इसमें स्वयं का निर्णय होता है, ये मैं मतलब देख पाता हूँ। स्टेप नंबर टू में मैं और शरीर के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, मैं शरीर को संकेत देता है या तो शरीर से जो संवेदना आ रही है उनको पढ़ता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और बहुत बार मैंने ये स्कैनिंग का जो है मतलब सर से लेके नीचे पैर तक एक स्कैनिंग का जब मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कुछ संवेदना है। जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो दिखता है कि मैं स्पेक्स यूज कर रहा हूँ तो कानों तक उस जो जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे कुछ संवेदना है। दांतों में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दर्द है, जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ वहाँ से कुछ संवेदना आ रही है, मेरे पैर जहाँ पे टाइल्स को टच कर रहे हैं वहाँ से कुछ संवेदना आ रही है। तो ये सारे मतलब जगह जगह पे, और इनको पढ़ने वाला कौन है? इनको पढ़ने वाला तो मैं ही हूँ। और यहाँ से मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस संवेदना को मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन संवेदना से मैं दूर हूँ क्योंकि इस शरीर में अलग अलग जगह अलग अलग संवेदनाएं हैं और मैं उन सभी को पढ़ पा रहा हूँ, उनको पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं उनसे दूर हूँ। और ये संवेदना शरीर है तो शरीर से भी मैं अलग हूँ, तो मैं शरीर के बीच में, ये दोनों अलग हैं, इनके बीच में जो दूरी है उसे भी मैं देख पा रहा हूँ। स्टेप नंबर फाइव में बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ और उसे फिर मेरी जो मान्यता या तो समझ के आधार पर मैं उसे कोई अर्थ देता हूँ, ये भी मैं मतलब देख पाता हूँ। और इनफैक्ट जिसको मैंने महत्वपूर्ण माना है उन संवेदनाओं को, जैसे अभी बहुत सारी संवेदना है लेकिन जब मैं अभी ये मेरी बात को रख रहा हूँ तो फिर मैंने एक निर्णय ये लिया है कि सावे संवेदना की तरफ ध्यान नहीं देना, इस क्षण के लिए मतलब मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये भी मैं देख पाता हूँ। लेकिन जब जब कोई संवेदना महत्वपूर्ण लगती है तो उसको मैं जरूर पढ़ता हूँ, ये भी मतलब मैं देख पाया। इसमें ये जो बात है कि संवेदना को पढ़ने के आधार पर बाहर की घटना जैसे दूसरे का व्यवहार कार्य का आकलन करता हूँ कि जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में हमारी जब बातचीत होती है और वो जो कुछ भी बातें रखते हैं उन बातों को मैं सुनते हुए तब उनको ग्रहण करते हुए मेरी जो मान्यता या सही समझ है उसके आधार पर मैं उसे कुछ एक अर्थ देता हूँ। और उस अर्थ के साथ में फिर मेरा इधर रिएक्शन या तो रिस्पॉन्स होता है। लेकिन यूएचयू के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारी जगह, पहले जब मैं यहाँ पे शायद रिएक्ट करता था वहाँ पे अभी रिस्पॉन्स कर पाता हूँ, लेकिन कुछ व्यक्ति जैसे पत्नी मतलब जिनको हम जनरली बहुत क्लोज मानते हैं और वहाँ पे लेकिन मैंने देखा है कि ये शायद नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट इस बात की तरफ मेरा ध्यान गया कि अगर किसी ने, जैसे हो सकता है किसी कलीग ने, दूसरे किसी व्यक्ति ने या तो बेटी ने भी कुछ बात रखी तो शायद वही बात को मैं रिस्पॉन्ड करता था, लेकिन अगर वही बात अगर पत्नी ने रखी तो शायद रिएक्शन जैसा आ जाता। और फिर मतलब एक ही बात के ऊपर ये हो गया था तो मैंने वहां पे देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्होंने कुछ बात को पूछा था और उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी तो बहुत एक रिएक्शन के मोड में मैंने कुछ बोल दिया। और स्टेप सिक्स में तो हम देखते हैं कि पूरा मतलब उसको बात को सुनते उसको अर्थ देते हुए फिर मैं बाहर
व्यक्त होता हूँ, लेकिन ये सारी स्टेप्स, जो पूरी स्टेप्स इतनी फास्ट हो गई, और जब मैं उस रिएक्ट हो गया और रिएक्ट होने के बाद मेरे ध्यान में आ गया कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं हुआ, और उसको जब मैंने देखने का प्रयास किया तो फिर मुझे दिखाई दिया कि कहाँ ना कहाँ तो भी एक पति के रूप में जो अधिकार है, मतलब इसके पीछे कौन सी मान्यता काम करी। इसको जब मैंने देखने का प्रयास किया तो यही दिखाई दिया कि एक पति के अधिकार की जो एक गहरी मान्यता है, उस मान्यता के रूप में ये हो रहा है। कहाँ ना कहाँ तो भी मैं पत्नी का अंडर इवैल्यूएशन और अपना ओवर इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, एक गलत मूल्यांकन हो रहा है, और शायद मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर काफी काम करने की मुझे जरूरत है। उसी तरह से उसमें और एक जो पॉइंट है कि स्वादिष्ट भोजन भोजन या तो इस तरह से जो सुखी होने का प्रयास है वो अभी भी है कि अनुकूल संवेदना पाके सुखी होने का एक जो प्रोग्राम है वो मैं देख पाता हूँ, लेकिन इस बात की तरफ भी ध्यान जाता है कि सुखी तो मैं सही भाव और सही समझ के साथ में ही हो सकता हूँ, और जब उस बात के लिए मैं काम करूंगा और जब उसको मैं उस तरफ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा ये जो अभी डिपेंडेंस है कि अनुकूल संवेदना से सुखी होने का, जैसे स्वादिष्ट भोजन, वो अपने आप यहाँ पे वो कम होते जाएगा। स्टेप नंबर 7 में मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है, तो ये क्लैरिटी तो है कि मैं और शरीर दोनों भी शून्य के सह अस्तित्व में है। मैं तो निरंतर क्रियाशील हूँ और शरीर का होना भी शून्य के साथ इतने बना हुआ है, ये क्लैरिटी है। लेकिन यहाँ से आगे मतलब शून्य के बारे में अभी इतना अभ्यास नहीं है, और भविष्य में मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी तो जो पूरी बात है वो इतनी तक ही सीमित है। तो ये स्टेप नंबर 1 और 2 में जितनी बातों की तरफ मेरा ध्यान गया है और जितनी बातों की समझ बन पाई और उसको मैंने रखा है, यहाँ पे जो चौथा बिंदु है सुख स्वभाव है या प्रभाव है, तो इस पे कितनी स्पष्टता बनी है, तो सुख स्वभाव है, इसके मतलब काफी क्लैरिटी अभी बन पा रही है कि सुख प्रभाव या तो दबाव से नहीं हो सकता, और इसके लिए मुझे ही मतलब अपने में काम करने की जरूरत है कि सुख जो है वो मुझ में प्रस्थापित हो जाए एक स्वभाव के रूप में। इसके लिए एक जो कार्यक्रम है तो ये तो मतलब यही है कि जो प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन है उसको जारी रखते हुए इन प्रपोजल्स को वेरीफाई करते हुए अपने जीने में लाए, अपने परिवार में, अपने साथियों के साथ में, वर्क प्लेस में। प्रोग्राम जब मैं देखता हूँ कि हमारा कितना कार्यक्रम अभी अनुकूल प्रभाव के जुटने के अर्थ में है, तो जैसे मैंने रखा कि स्वादिष्ट भोजन खा के सुखी होने का प्रयास तो हो रहा है, अनुकूल संवेदना से भी सुखी होने का प्रयास तो अभी भी है, लेकिन उसके लिए तो मुझे यही दिखता है कि फिर ये जो सही समझ और सही भाव है उस पे मैं ज्यादा काम करूँ, तो वहां पे अगर काम हो जाएगा तो ये जो प्रयास है अनुकूल भाव पाके या तो अनुकूल संवेदना से सुखी होने का, उसके ऊपर भी काम हो पाएगा। हमारा कितना कार्यक्रम अभी चैतन्य के अर्थ में है, तो मैं इस बात को देख पाता हूँ कि इनफैक्ट कार्यक्रम तो उसी अर्थ में है। कमिटमेंट की जब मैं बात रखूंगा तो यूएचवी के साथ काम करते हुए, इनफैक्ट मैंने जो फर्स्ट एक्टिविटी की थी, सबसे पहले जो वॉलंटियर एक्टिविटी थी वो फ्रिक्वेंट एफएक्यू के टीम में मैं था। इनफैक्ट वही से मैं जुड़ गया इन अ सेंस, जब पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे और क्वेश्चंस को जब मैं लिख रहा था तो मैं ये देख पाया कि ये सारे तो मेरे ही क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के साथ ही तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, और बहुत बार किसी पार्टिसिपेंट का एक क्वेश्चन आता था और मुझे लगता था अरे इतना तो बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको यार रिसोर्स पर्सन्स क्या आंसर दे पाएंगे, इसका तो शायद आंसर वो दे ही नहीं पाएंगे, लेकिन जितनी सहजता के साथ रिसोर्स पर्सन्स उस आंसर्स को दे रहे थे और मैं ये देख पा रहा तो ये बहुत ही एक क्लियर आंसर है, और इस आंसर के साथ में अगर कोई रियली काम कर पाएगा तो ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है,
उस क्वेश्चंस तो रहेगा ही नहीं। उसके बाद में मैंने बहुत सारी वॉलेंटियर एक्टिविटीज में जब जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैं ये देख पाया कि हर एक एक्टिविटी ने मेरी समझ को बनाने के लिए बहुत मुझे हेल्प की है, तो मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ। स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगा सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षण मुझे इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि वही एक ही काम मुझे लगता है बाकी है, और वो हो जाएगा तो बाकी सारी चीजें तो अपने आप हो जाएगी। और समय तो यही है कि अभी वर्क प्लेस की जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, इनके साथ में ही, क्योंकि सब तो साथ में हो रहा है। और इसमें मतलब इस यहाँ पे मैं और एक बात ये रखना चाहता हूँ कि जितने भी वॉलंटरी एक्टिविटीज है उसके लिए मुझे काफी समय मतलब समय होता है, लेकिन उसमें मुझे कॉलेज की तरफ से, मेरी मैनेजमेंट की तरफ से और परिवार की तरफ से, जैसे मतलब मेरी पत्नी है या तो मेरे जो मतलब तीनों के बच्चे हैं, उनका बहुत सारा हेल्प मुझे मिलता है, काफी सहकार्य मतलब जो है मिलता है। इनफैक्ट एक दिन जब ये बात हो रही थी यूएचवी की, और मैंने ऐसे ही बोला, मतलब ऐसा बात चल रही थी तो मैंने बोला था कि यूएचवी में बहुत सारा समय जाता है, तो फिर मेरी पत्नी ने ये बात रखी, लेकिन मैं तो यही चाहती थी कि आप अच्छे लोगों के साथ आपका कांटेक्ट आए, अच्छे लोगों के साथ आप समय बिताए। और उन्होंने बोला कि ये यूएचवी के सारे जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, तो कोई बात नहीं है, आप इसे जारी रखिए। तो शायद ये बहुत एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, उसमें वहां से मुझे काफी एक मोटिवेशन मिला कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ और सही काम कर रहा हूँ और मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ। तो ये कुछ बातें थी जिनको मैं शेयर करना चाहता था। आखिर में जो सारे मेंटर्स हैं कि जिन्होंने मुझे समय हर समय मोटिवेट किया, गाइड किया, जो बाकी वॉलेंटियर्स हैं जिनके साथ में जब जब कुछ काम रहता है या तो जब जब उनसे बातें होती है, उनके शेयरिंग से भी काफी मरीज समझ बनने में सहाय हुआ है। उसी तरह से पूरा अस्तित्व है, इसकी तरफ मैं अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि भविष्य में भी आप सभी का मुझे गाइडेंस मिलता रहे। सभी का धन्यवाद, नमस्ते। जी, धन्यवाद भैया। अभी कुमार भैया से सुन लेते हैं यशवंत भैया के शेयरिंग के बारे में। जी कुमार भैया, नमस्ते। जी पुनः सभी को नमस्ते। बहुत बढ़िया शेयरिंग रही यशवंत भैया की, और यशवंत भैया की जो ईमानदारी है, स्पष्टता है, वो हम सब देख ही पाते हैं। भैया जब से जुड़े मैं देख पा रहा था कि शुरू में तो गति धीमी थी, परंतु जब से आप सुबह के सत्र में आने लगे हैं तब से मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी शेयरिंग में जो बात निकल कर आ रही है उसमें एक परिमार्जन भी दिखाई दे रहा है, और जो आपकी भागीदारी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी भी आप एक वर्कशॉप में ही हैं जहाँ पे वर्कशॉप चल रहा है, तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि जितना भी समय आपके पास रहता है आप उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं, फैल कर भागीदारी कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है और उसमें आप सब लोगों की बहुत ही सक्रिय भागीदारी है, कई सारे प्रोजेक्ट्स में आप लोगों की भागीदारी है, तो ये एक बहुत अच्छी गति बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से बिंदुवार ढंग से आपने बात रखी वो भी दिखाई देता है कि आप अपने ऊपर ठीक से काम कर रहे हैं, और परिवार को लेकर भी आपने शेयरिंग की और कैसे कैसे आप अपने आप में घटनाओं में स्वयं का मूल्यांकन कर, तो सामान्य रूप से परिवार में होने वाली इस तरह की बातों को हम लोग शेयर नहीं करते हैं, परंतु आपने बड़ी ईमानदारी और सहजता से बात रखी, तो बहुत अच्छी बात है भैया। मुझे लगता है अभी आप प्रस्तुति करने ही लगे हैं वर्कशॉप में, तो ये जो स्फूर्ति वाली बात है थोड़ा और जी जी जो भैया, है ना वो धीरे धीरे और बढ़ेगी। अभी थोड़ा सा जैसे स्फूर्ति को मैं देख पा रहा हूँ बढ़ते हुए पिछले एक वर्ष में, वो और भी और बढ़ेगी। और आप एक एक संबंध में जो न्याय सुनिश्चित करने की आप में एक निष्ठा बनी है ये भी प्रशंसनीय है, और इससे आपको गति काफी ज्यादा मिलेगी, तो बहुत ही बढ़िया भैया।
एक बात तो मैं ये कहूंगा कि जब हम में से कोई शेयर करता है तो हम में से कुछ साथी और अपेक्षा रखते हैं आपसे। तो जो प्रश्न अभी जगदीश जी कर रहे थे तो उससे हम यही देखें कि लोगों की आपसे और अपेक्षा है। और जगदीश जी के लिए मैं कहूंगा कि देखिए हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है ठीक से, नहीं तो क्या है हम दूसरों के ऊपर शर्तें लगाते रहते हैं कि आपको ऐसा हो जाना चाहिए आपको वैसा, ये नहीं, इससे आपकी गति नहीं बनेगी। तो ना, मैं ये कहूंगा सारे साथियों से कि हम स्वयं में देखें, स्वयं का मूल्यांकन करें और जो साथी शेयर कर रहे हैं उनसे प्रेरणा लें तो हम हमारे स्वयं के विकास के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। क्योंकि अभी हम ये तो एक सामान्य सी गलती करते ही हैं कि दूसरे के लिए तो हम ऐसा मानते हैं कि उसको अगले को 100% समझदार होना चाहिए और हम अपने को एग्जेम्प्ट किए रहते हैं, उससे अल्टीमेटली हमारा ही गति रुक जाता है। तो उसको हम लोग ना करें बल्कि स्वयं में अपनी गति के लिए काम करें और जो शेयरिंग हो रही है उससे हम प्रेरणा लें। जी बहुत ही बढ़िया बढ़िया भैया। जी धन्यवाद भैया।